चरण दास महन जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उन्होंने बयान दिया कि मोदी जी को लाठी मारना चाहिए, उनका मुंह तोड़ना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने पूरे देश भर में हमने तय किया है कि उनका कोई भी ना बाल काटेगा ना उनका कोई दाढ़ी बनाएगा, और वो तत्काल वो माफी मांगे। चरणदास महंत ने बयान क्या दिया कि मोदी को लाठी मारे, उसके बाद मच गया है पूरे प्रदेश में बवाल। भाजपा के सारे विधायक मंत्री इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक्शन जो देखने में आ रहा है वो रिकेश सेन के बयान का है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने बयान दिया है, सेन समाज के अध्यक्ष हैं, और कहा है उन्होंने कि चरणदास महंत के ना कोई बाल काटेगा ना कोई दाढ़ी बनाएगा। भैया बयान दिया आपने क्या? देखिए, स्पष्ट रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रात दिन देश की सेवा के लिए लगे, और एक दिन भी उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली है। किस तरीके से एक एक परिवार की वो चिंता करते हैं, और ऐसे समय में राजनीति में आप बयान दीजिए लेकिन बयान व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। चरणदास महन जी कांग्रेस के बड़े नेता है, विधानसभा में नेता विपक्ष हैं। उन्होंने बयान दिया कि मोदी जी को लाठी मारना चाहिए, मोदी जी के मुंह में लाठी मारना चाहिए, उनका मुंह तोड़ना चाहिए, ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। और आपको बता दूं, मोदी जी ने कहा है कि एक जो हमारे पूरे जो 140 करोड़ के लोग मेरे परिवार के लोग हैं, और उनके इस बयान से पूरे देश भर में आहत पहुंची है सबको, और सेन समाज को सबसे ज्यादा, क्योंकि पिछड़े वर्ग की चिंता किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। आज मैं अकेला सेन समाज से, नई समाज से आज मैं विधायक हूँ। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, और कहीं ना कहीं मेरा समाज भी दुखी है। मेरे समाज के लगातार पूरे देश भर से फोन आने चालू हो गए कि आपके इस कैसा उन्होंने कह दिया मोदी जी के विषय पे, लोगों में आक्रोश है। तो इसलिए हम लोगों ने पूरे देश भर में हमने तय किया है कि उनका कोई भी ना बाल काटेगा ना उनका कोई दाढ़ी बनाएगा, और वो तत्काल वो माफी मांगे, तत्काल वो माफी मांगे। और अगर नहीं होता है तो, और अगर कोई किसी ने भी उनका अगर गलती से भी किया तो उसको समाज से बाहर कर दिया जाएगा। अगर कोई भी गलती से उनका दाढ़ी कटिंग अगर कुछ चुपके से बनाया तो उनको समाज से बाहर कर दिया जाएगा। सेन समाज माना जाता है कि हर समाज के परिवार का अभिन्न अंग है, क्योंकि उनके बिना ना शादी ब्याह के काम होते हैं ना और कोई संस्कार के कार्य होते हैं। तो आपने जो एक बड़ा फैसला, समाज पूरा क्या आपका कितना सहमत है समाज आपके फैसले? पूरे देश भर के समाज के लोगों ने इस पे सहमति की है, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है, मैंने समाज से पूछा है। और ऐसा बयान देना, कभी सोनिया गांधी उनको नीच कहने का काम करती है, कभी सोनिया गांधी उन्हें आतंकवादी बताती है, कभी राहुल गांधी उनके विषय पे गंदी टिप्पणी करते हैं, कभी दिग्विजय सिंह उनके चाल चरित्र चेहरे पे उंगली उठाते हैं, कभी मणिशंकर अय्यर उनको गाली देने का काम करते हैं। तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि मोदी जी हर घर के गार्जियन हैं, मोदी जी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, और उन्होंने हर दिन इस देश के लिए चिंता की है। तो ऐसे समय में आप बयान दीजिए, राजनीतिक बयान दीजिए, हम भी आपको राजनीतिक बयान देंगे, लेकिन व्यक्तिगत लांछन अगर लगाएंगे तो आपको ऐसा ही मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लगता है कांग्रेस के लोग डर गए हैं भाजपा की जो संभावित जीत को देखते हुए। इसीलिए तो कांग्रेस के सारे लोग भाजपा में आने के लिए उतार हो गए हैं। आप देखेंगे प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग भाजपा प्रवेश कर रहे हैं। कांग्रेस जो है डूबती नैया है, और उसपे कोई सवाल नहीं होना चाहता। उनके नेता में गंभीरता नहीं है, राहुल गांधी में गंभीरता नहीं है। सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं, ऐसे हाथों पे अगर देश चला जाएगा तो देश के बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। तो ये थे रिकेश सेन, वैशाली नगर विधायक, और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि पूरा सेन समाज इससे नाराज है चरणदास महन जी के बयान से, क्योंकि मोदी जी पूरे देश की चिंता करते हैं और मोदी जी के लिए पर्सनली ऐसे व्यक्तिगत आरोप लगाना सही नहीं है। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।